तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.3। तो फर्स्ट में क्या करना है, सॉल्व यूजिंग कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब इसमें से कुछ ऐड, जैसे जब भी एडिशन हो रहा है, एडिशन में सेकंड वाले में से कुछ फर्स्ट में ऐड किया, या फर्स्ट वाले में से लेके कुछ सेकंड में ऐड कर दिया। जब भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सेम नंबर ऐड करो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ पार्ट्स, बाकी आपके होमवर्क होंगे। तो 51 प्लस 73 इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो 51 है, 73 है, अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है, राइट। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ अगर 1 ले लें तो ये 50 बन जाएगा ना, हमें 10 का मल्टीपल बनाना है या फिर 5 का मल्टीपल। ठीक है, तो 51 में से हमने 1 ले लिया, और ये जो 1 लिया ये कहाँ गया, ये हमने 73 में ऐड कर दिया, ताकि हमारी जो नेट वैल्यू है वो सेम रहे। तो 51 में से जब 1 माइनस होगा तो इधर कितना बचेगा, 50, और 73 में जब 1 ऐड होगा तो कितना बचेगा, 74। तो वैल्यू, तो अब इनको बस सिंपल ऐड कर दो। 50 प्लस 74 बहुत ईजी है, सीधे 0 प्लस 44, और 50 प्लस 74 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे है ना 124, राइट। और यहाँ पे भी ऐड करके देखो वही आएगा, 3 प्लस 1 4 एंड 7 प्लस 5 12, 124। ओके चलो नेक्स्ट देखो, 56 माइनस, और यहाँ पे भी लिख दो आंसर कितना, 124। चलो नेक्स्ट है 56 माइनस 38। अब माइनस है मतलब ऐसे करना है कि नेट जो यहाँ पे जो चीज़ इसमें सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो वही सेम दूसरे वाले में भी। तो यहाँ पे 56 देख रहे हो, यहाँ पे 38 देख रहे हो, अब 38 में 2 ऐड कर दो तो 40 बन जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, 38 में 2 ऐड करो, यही सेम किधर जाएगा, यही सेम इसमें भी ऐड होगा। तो 56 में भी क्या ऐड करो, 56 में भी 2 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 58, और 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 40। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, बहुत ही ईजी हो जाएगा, 58 में से 40 गए सीधे सीधे 18, है ना। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखो, 6 में से 8 नहीं होगा, ये जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8, 16 माइनस 8, और 4 में से 3 गए 118, है ना, सेम है आंसर। नेक्स्ट 201 प्लस 360, अब देखो फिर से ऐड वाला है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 माइनस करो इसमें से, है ना, इसमें से 1 में, तो ये सीधे 200 हो जाएगा, 10 का मल्टीपल बन जाएगा। सो 200 में से क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, और 362 में से क्या हो रहा है, ये जो 1 इधर से लिया वो किधर जाएगा, इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 200, मैंने देखा नहीं, ठीक है 200, और ये हो जाएगा 363। अब बताओ 363 में जब 200 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 563, राइट। अब देख लो यहाँ पे आंसर चेक कर लो, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 0 6 एंड 2 प्लस 3 5, राइट, बहुत ईजी है। नेक्स्ट 760 माइनस 103, अब फिर से सब्ट्रैक्शन वाला है, तो यहाँ पे देखो 760 में कितना, ये तो देखो पहले से ही वही है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 ले लो, ठीक है, इसमें से 3 माइनस कर दो, 103 माइनस 3 कर दो, तो यहाँ पे जो करेंगे वही हम ऊपर भी करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन में सेम होता है, एडिशन में क्या होता है, जो जिसमें से माइनस किया वही दूसरे में ऐड किया, या जो दूसरे में ऐड किया वही उसमें से ले लिया, माइनस कर लिया। और 760 इसमें क्या करो, इसमें भी ये जो माइनस 3 इसमें से ये होगा 760 माइनस 3, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो 760 में से माइनस 3 होगा कितना, हो जाएगा 757, है ना। 760 में से 3 ले लिया, कितना बचेगा, 757, और 103 में से 3 माइनस होगा, सीधे सीधे 100। अब आप बताओ कितनी वैल्यू आएगी, सीधे सीधे दिख रहा है 657। यहाँ पे देख लो चेक करके, 10 माइनस 3 7, यहाँ पे बचेगा 5, और 7 माइनस 1 6, राइट, आंसर मैच कर रहा है। सो यहाँ पे, हाँ स्टूडेंट्स, आंसर लिख लो 657, यहाँ पे 563, और यहाँ पे 18। ओके, सो हियर द क्वेश्चन आर मार्किंग अ टिक ऑन आर योर होमवर्क क्वेश्चन। ओके यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम शो द एस्टिमेट टू शो वेदर द आंसर इज रीजनेबल। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल सम डिफरेंस है उनको राउंड ऑफ करके करना है, फिर एस्टिमेट बताना है ये है, और क्या ये उसके सी मतलब लगभग है, ऑफकोर्स। ठीक है, चलो करते हैं। 345 प्लस 679 प्लस 412, तो एक्चुअल क्या है सम, देखो ऐड कर लो, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 6 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 4 13, 3 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इज 11, एंड 11 प्लस 3 इज 14, 1 4 3 6। ठीक है, अब चलो इसको लगभग करते हैं, तो ये 345 कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 300
प्लस 679 लगभग कितना हो जाएगा 700, प्लस 412 लगभग कितना हो जाएगा 400। अब ऐड करो तो 700 प्लस 300 आपको ही पता है 1000, 1000 प्लस 400 कितना हो जाएगा 1000, है ना 7000, हाँ 1000, 1400 राइट। अब देखो 1400, 1000 क्या लगभग है, यस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, 7075 माइनस 1097, तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 7 गए तो कितना आएगा लगभग, चलो करते हैं 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में से 9 माइनस नहीं होगा, 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7, फिर क्या है यहाँ पे 9 हो जाएगी, इसने इसको कैरी दिया तो 9 माइनस 0 9, और यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 इज 5, 5, 9, 7, 8, ये है एक्चुअल डिफरेंस। अब चलो इसका एस्टिमेट करते, तो ये 707 इसको किसके मैक्सिमम प्लेस पे करेंगे, ठीक है, तो 1000 है इसको 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 7000 राइट माइनस 1000, है ना, तो 7000 माइनस 1000 कितना आएगा स्टूडेंट्स 6000, है ना, 7000 में से 1000 गए 6000 बचे। अब बताओ 5970 इसको राउंड अप करोगे ना ऑफकोर्स, तो ये 6000 के लगभग ही तो आएगा, तो क्या ये इसके लगभग है, यस। ओके तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक और करते हैं, 1953 प्लस 7654, तो इसमें ऐड करना है तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 विल बी 16, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो 9607। ओके अब देखो इसका एस्टिमेट करते हैं, 1953 तो इसको किसके लगभग, ये 1000 में जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000, है ना, क्योंकि 1953 कौन से 2000 के बीच में आता है, 1000 और 2000, किसके ज़्यादा पास है 2000 के, तो 2000 प्लस 7654, तो ये भी 7000 8000 के बीच में आता है, किसके ज़्यादा पास है 8000 के, राइट अब 8000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10000। अब बताओ ये जो 9607 इसको राउंड अप ही तो करोगे और कितना हो जाएगा 10000, है ना, क्योंकि ये किसके किसके बीच में आता है 9000 और 10000, और जब राउंड ऑफ करोगे तो ये किसके पास आएगा 10000 के, तो यस, ठीक है, तो डी सॉरी ई एफ जी इज योर होमवर्क, ओके प्रॉपरली फिल इट, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।